हाँ जी, सत श्री अकाल सारेयां नूं। करियर बिल्डर अकैडमी दे ऑनलाइन क्लासेस दे विच तुहाडा स्वागत है। सानूं उम्मीद है कि तुसीं इस करोना दे चलदे सारे स्वस्थ होवोगे अते अपने स्टडी नूं पूरी तरह कर रहे होवोगे। तां आपां अज तुहाडे लई जीके दी क्लास लैके आए होए हां। तां जीके दे अंदर आपां तुहानूं इंडियन जियोग्राफी दा टॉपिक है जिहड़ा ओह कंप्लीट करवावांगे। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक दे वल जो है इंडियन जियोग्राफी। तो सब तो पहला आप जान लेंगे हाँ कि ये अपना टॉपिक जो है ये अपने किस किस एग्जाम के अंदर अपने काम आने वाला है। तो फस्ट ऑफ ऑल अपना जो ऑल एस एस सी के एग्जाम, ऑल एस एस सी के एग्जाम, सैकेंड ऑल पंजाब एग्जाम, ऑल पंजाब एग्जाम, ऑल पंजाब एग्जाम अंदर जिन्ने भी पेपर अपने जो पी ट्रिपल एस भी लै रही है, चाहे वो अपना पी पी एस ही लै रही है, चाहे वो एनी अदर और इंस्टीट्यूशन है जिहड़ा अपना पंजाब का पेपर कंडक्ट कर रहा है, जां जिन्ने भी अपने सेंटर के पेपर होंदे हन जिस दे अंदर अपना इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन आ रहा है, वो अपने सारे पेपर के अंदर ये अपना टॉपिक बेनीफिशियल रहेगा अपने लिए। तो आप चलते हैं इंडियन जियोग्राफी के वल। तो फस्ट देखते आप जियोग्राफी के बारे थोड़ा जा जान लेंदे हैं कि जियोग्राफी की है, ये शब्द कितों आया है, ये शब्द किसने सब तो पहला यूज़ कराया। तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आप उन्होंने करते हैं। तो आप देखिए कि जियोग्राफी अपना दो शब्दों तो मिल के बनया अपन देख रहे। तो एक अपने को जियो एंड सैकेंड अपने को ग्राफी। तो जो जियो शब्द है इसका मीनिंग है अपने को अर्थ, और जो अपने को ग्राफी मीनिंग है, ग्राफी वर्ड है, इसका मीनिंग है अपने को स्टडी और एनालिसिस, स्टडी और एनालिसिस, एनालिसिस। तो किस चीज़ का एनालिसिस करना, तो किस चीज़ का एनालिसिस करना, तो अपने को स्टडी और एनालिसिस करना अर्थ का इज नोन एज जियोग्राफी। इसका मतलब आप सिंपल भाषा के कह सकते हाँ कि जियोग्राफी अपने को स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फिनोमिनस, धरती के उपर होने वाली कुदरती क्रियावां, धरती के अंदरूनी बाहरी स्ट्रक्चर के अध्ययन असी बोलते हाँ जियो ग्राफी। तो जो जियोग्राफी है ये शब्द सब तो पहला जिस परसन ने यूज करया उस परसन का नाम है इरिस्टोटल्स, इरिस्टोटल्स। तो इरिस्टोटल्स वो परसन है जिसने सब तो पहला इरिस्टोटल्स। तो ये वो परसन है जिसने सब तो पहला जियोग्राफी शब्द को यूज़ करया। इन्होंने एक बुक लिखी सी, इन्होंने बुक लिखी सी, तो बुक का नाम सीगा जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। तो उस तो बाद ये मन्या जाता है कि सब तो पहला जियोग्राफी शब्द का यूज करने वाले परसन हैं जो वो अपने को इरिस्टोटल्स ही हैं। तो इस तरह इरिस्टोटल्स को बोलिया जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी। जिस तरह आप बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री तो अपने को हेरोडोटस बोलते हैं, उस तरह अपने को फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, इरिस्टोटल्स, फादर ऑफ जियोग्राफी इरिस्टोटल्स। इन्होंने की करा, इन्होंने बुक लिखी सी, केड़ी बुक सी जियोग्राफी, इन्हों का टाइम पीरियड केड़ा सीगा, तो इन्हों का टाइम पीरियड सीगा जीसस दे जन्म तो 200 साल पहला की गल है, यानी कि सैकेंड सेंचुरी बीसी के आस पास, सैकेंड सेंचुरी बीसी, सैकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास जोड़ा है इन्होंने इस बुक में लिखा जियोग्राफी। सैकेंड इन्होंने केड़ा काम करा सी, तां इन्होंने जो है अर्थ दा अपने ये पैरीमीटर, पोलर पैरीमीटर, ये वाला पैरीमीटर मैजर करा सीगा, यानी कि इन्होंने अर्थ का पैरीमीटर सरकमफ्रेंस CIRCUM सरकमफ्रेंस मैजर करया।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਰਥ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਏਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਲੈਂਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਭਾਗ ਜਲ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਲ ਭਾਗ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ, ਥਲ ਭਾਗ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 71%, 71% ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 71% ਵਾਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 29% ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ, 29% ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ 71% ਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਓਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 29% ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, 7 ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਿਆਵਰਤ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੋ 28 ਰਾਜ ਹਨ
उन्हां दा अपना अपना वक्रा वक्रा कल्चर है, उन्हां दा अपना वक्रा वक्रा धर्म है, उन्हां दा अपना वक्रा वक्रा कपड़े पहनन दा ढंग है। इसलिए इंडिया दे अंदर इन्नी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इन्नी ज़्यादा विभिन्नता दे कारण भारत नूं एक उपमहाद्वीप दी जिहड़ा नाम दिता जाता है, यानी कि भारत नूं उपमहाद्वीप क्यों बोलिया जाता है, तो इस दा आंसर है इस विच वक् वक् विभिन्नतावां पाईआं जांदियां हन। भारत विच वक् वक् विभिन्नतावां पाईआं जाण दे कारण भारत नूं उपमहाद्वीप दी जिहड़ा है नाम दिता जाता है। तो नैक्सट आपां चलदे हां बेसिक अबाउट इंडिया दे अंदर, आपां देखदे हां कि सत्त जिहड़े महाद्वीप किहड़े किहड़े हन। तो अपने कोल इह इक महाद्वीप है, ये देख रहे हो ऊपर आपां कोल, इसका है नाम है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इस दे बिल्कुल नॉर्थ दे नीचे अपने को साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो बाद ये वाला अपने को है अफ्रीका, अफ्रीका तो बाद ये वाला पोर्शन जो अपने, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अपने को यूरोप, 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 यूरोप। तो ये वाला जो पोर्शन अपने को बच रहा है, ये वाला पोर्शन ये है अपने को एशिया, ये अपने को एशिया, एशिया, एशिया। तो अपने को एशिया और जो आप ये वाला पोर्शन बच रहा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये है अपने को महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और प्रेजेंट टाइम पे इसको बोलिया जाता है ओशिनिया, ओ ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप, यानी कि ओशिनिया महाद्वीप नूं होर किहड़े नाम दे नाल जाणिया जांदा है, तो वह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये अपने कोल है ऑस्ट्रेलिया, ये अपने कोल है न्यूजीलैंड, ये अपने कोल न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो नीचे अपने को इतने अपने को शो नहीं हो रहा, मैं शो कर रहा, इतने अपने को एक होर महाद्वीप है जिस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका। तो अपने को किन्ने महाद्वीप हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और सत्त। तो अपने को सत्त महाद्वीप हैं, सत्त महाद्वीप के अंदर जिहड़ा है 29% भाग समाया होया है, सत्त महाद्वीप के अंदर 29% भाग समाया होया। तुसी एक असाइनमेंट थोड़े लिए इत्थे जिहड़ा तुसी कमेंट दे विच अपने सारे ने मेजर करके सेंड करना है, वो तुसी की करना, तो सारे महाद्वीपां नूं, सारे महाद्वीपां नूं एरिए दे अकॉर्डिंग, खेत्रफल के अकॉर्डिंग एक कटदे क्रम दे विच लगाउणा, यानी कि पहले सब तो, सब तो वड्डा महाद्वीप, ये असाइनमेंट है, सब तो वड्डा महाद्वीप, सब तो वड्डा महाद्वीप, सब तो वड्डे तो बाद उस तो छोटा खेत्रफल के पक्षों, सैकेंड उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, इस तरह सत्त महाद्वीपां नूं सीरीज़ के अंदर तुसीं लिख के सर्च करके जां जिथों भी सोर्स तुहानूं मिलदा तां कमेंट दे विच तुसीं इस नूं मैज सेंड करना है। तो नैक्सट देखदे आपां इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आपां ने देखा कि जो अपना भारत है, जो अपना इंडिया है, वह कितने प्रेजेंट है, वह अपना ये एशिया के अंदर प्रेजेंट है। तो आपां तुसीं देख रहे हो ये अपने कोल महाद्वीप है एशिया, मैं मार्कर चेंज करदा, ये देख रहे हो तुसी, ये अपने को एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के अंदर ये अपने को इंडिया है, इंडिया इतने अपने को प्रेजेंट है, इंडिया ये अपने इंडिया। तो इंडिया जो है, इंडिया जो है ये किस महाद्वीप के विच स्थित है, तो इंडिया अपना एशिया महाद्वीप के विच स्थित है, इंडिया अपना एशिया महाद्वीप के विच स्थित है। एशिया दे किस भाग विच अपना जो महाद्वीप है वह स्थित है, तो आप देखते हैं एशिया जो है अपना वह किस महाद्वीप दे विच स्थित है, तो यह एशिया दे नीचे वाला किहड़ा भाग बनेगा, किहड़ी दिशा बनेगी, तो दक्खण। देखो ये अपने को डायरेक्शन होंदियां, ये अपने को नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्खण,
ईस्ट पूर्व और वैसट अपने को पछम। तो अपन ने देखा ये एशिया दे इंडिया बिल्कुल कितने स्थित है तो बिल्कुल दक्षण दे विच स्थित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप एशिया दे दक्षण विच स्थित है, एशिया दे दक्षण विच स्थित है। तो अपन ने देखा कि जो अपना एशिया है भारत है वह एशिया महाद्वीप के दक्षण विच स्थित है। टोटल महाद्वीप किन्ने हैं? सत्त महाद्वीप हैं। सत्त महाद्वीपां ने किन्ने प्रतिशत अर्थ का एरिया घेरिया है? तो 29% एरिया घेरा है। भारत की है? भारत एक उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप है जिहड़ा किस द्वीप महाद्वीप दे विच स्थित है? एशिया विच स्थित है। एशिया की किस दिशा विच स्थित है? तो एशिया के दक्षण विच स्थित है, एशिया के दक्षण विच स्थित है। इत्थे तक आपां इक वार रिवाइज करदे हां आपने की करिया हुण तक। तो आपने देखा कि जियोग्राफी, जियोग्राफी सब तो पहला शब्द यूज़ करने वाला परसन सीगा अपने को रितो स्टीन्स। रितो स्टीन्स ने बुक लिखी सी जिस बुक का नाम सीगा जियोग्राफिया। जियोग्राफिया के अंदर इन्होंने मैनशन कराया आपू कि अर्थ जी है वह 23 डिग्री अपनी एक्सिस के नाल चुकी हुई है, एक्सिस चुकी। सैकेंड इन्होंने मैजर कराया सरकमफ्रेंस और अर्थ का परिमाप, अर्थ पोल तो लैके दूसरे पोल तक की इन्होंने लंबाई दसी सी आपू दूरी दसी सी तो किसने कराया रितोस्टीन्स। इसलिए रितोस्टीन्स बोलिया जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी। यानी कि किस परसन फादर ऑफ जियोग्राफी बोलिया जाता? रितोस्टीन्स बोलिया जाता। तो नैक्सट आप अगे चलते हैं बेसिक इंडिया के अंदर, इंडिया के आप कुछ होर गल करते हैं। क्लीयर स्क्रीन नैक्सट स्लाइड लेंदे ठीक है। इंडिया के आप बेसिक बेसिक गल करते हैं हो। तो आपने देखा, आपने देखा कि जो अपने को इंडिया में रफ कर दे एक मिनट, चले गए एक मिनट बस स्टूडेंट। जियोग्राफी बहुत इंडिया के बारे हो रहा है अपना, एक मिनट बस। एक मिनट बस स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको सही करते हैं। तो नैक्सट देखो बिल्कुल सीगा अबाउट जियोग्राफी आप कंप्लीट कर बेसिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर आपने देखा कि जो अपना भारत किस महाद्वीप के स्थित है? तो भारत अपना एशिया महाद्वीप के स्थित है। तो आप गल कर रहे हैं भारत के बारे, भारत सब तो पहला भारत की राजधानी की अपने, भारत की राजधानी तो भारत की जो राजधानी जो कैपिटल है वह अपने को नवी दिल्ली, नवी दिल्ली न्यू दिल्ली, नवी दिल्ली है जो भारत की अपने राजधानी है नवी दिल्ली। सैकेंड है जो भारत है, भारत है भारत ने जो एरिया है वह किन्ना कवर कराया है, जो भारत ने एरिया कवर कराया वह एरिया किन्ना कवर कराया भारत ने, तो आप देखते हैं तो भारत ने एरिया कवर कराया 32, 87, 263 स्केयर किलोमीटर, किलोमीटर स्केयर 32, 87, 263 किलोमीटर स्केयर। एक मिनट 32, 87, 263 किलोमीटर स्केयर, 32, 87, 263 ये संसार के खेत्रफल का किन्ने प्रतिशत है? तो अपने को यह है 2.45%, 2.45% जो है ये संसार के खेत्रफल के बराबर है। एक स्टूडेंट संसार के 2.4% खेत्रफल के बराबर है। और इस तरह इस खेत्रफल के नाल भारत ने किन्नवा स्थान प्राप्त कराया खेत्रफल के पक्षों? तो भारत ने सत्तवा स्थान हासिल कराया है,
सत्तवां स्थान हासिल करया है। किस पक्षों? खेत्रफल दे पक्षों। सत्तवां स्थान खेत्रफल पक्षों, खेत्रफल पक्षों सत्तवां स्थान हासिल कर। सैकेंड असाइनमेंट है थोड़े, सैकेंड असाइनमेंट ब्रदर तुसी सब ने यह करना है कि भारत के भारत तो वड्डे, भारत का सत्तवां स्थान है, उसको ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान, ये चौथा, पंजवा, छेवा, सत्तवा, अठवा, नौवा, दसवा। तो भारत के जो पहले छे हैं अपने को, जो पहले छे राज देश हैं इन्हां दे नाम, और जो भारत तो छोटे तीन देश हैं इन्हां दे नाम। ये भी तुसी अपना नोटबुक उपर अलग तो नोट करने हैं, तुसी सर्च करके जो भी करो। तो नैक्सट डे के अंदर मैं थोड़ा करवा देंगा, जब अपनी नैक्सट क्लास होएगी तो आप इस करा। तो अपना किन्नवा स्थान है भारत का? सत्तवा स्थान है। किस पक्षों? खेत्रफल के पक्षों। सैकेंड चलते हैं भारत का जनसंख्या के पक्षों, जनसंख्या के पक्षों तो किन्ना स्थान है? तो पर जनसंख्या के पक्षों सैकेंड प्लेस है, सैकेंड प्लेस, दूसरा स्थान, सैकेंड स्थान। तो किन्नी जनसंख्या जो भारत ने अपने कोल रखी हुई है संसार की? तो अपने कोल है 121 करोड़ जनसंख्या। प्रेजेंट टाइम तो 135 करोड़ कुछ शो कर रहे हैं, पर आज तक गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल डाटा जिहड़ा है सेंसस का 2021 का रिलीज़ नहीं करया। वो तुहानू पता है किस कारण नहीं करया? तो ड्यू टू करोना पैंडेमिक के कारण रिपोर्ट्स जिहड़ियां ने अपने कोल ग्राउंड लैवल से तैयार नहीं हो सकिया, उस दे कारण प्राइवेट कुछ साइट्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिहड़े 135 करोड़ का दावा कर रहे हैं। तो जिद भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल आएगा तो अपना जिहड़ा है वो अपने सामने डाटा आ जाएगा। तो यह है अपना 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो जो इस जनसंख्या है ये किन्ने प्रतिशत है संसार के, जो ये जनसंख्या संसार के किन्ने प्रतिशत है? तो यह है अपने को 17.5 प्रतिशत जो जनसंख्या है ये किस दे कोल है? इंडिया के कोल है। तो आप दोबारा कर दे तो अपने क्वेश्चन केड़े केड़े बनन गए। तो भारत की राजधानी नवी दिल्ली, भारत का खेत्रफल 32,283 किलोमीटर स्क्वेयर, किन्ने प्रतिशत है संसार का? तो 2.4 प्रतिशत है संसार का। तो सैकेंड किन्नवा स्थान प्राप्त है भारत में संसार के? सत्तवां स्थान। तो सैकेंड स्थान जिहड़ा किस दे अकॉर्डिंग है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, किस दे अकॉर्डिंग? जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का किन्नवा स्थान है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान। किन्ने प्रतिशत संसार की जनसंख्या भारत के कोल? 17.5 प्रतिशत। टोटल किन्नी है? 121 करोड़। तो इसमें तुसी अपना डाटा नोट कर लियो, फिर आप जिहड़ा है नैक्सट स्लाइड पर चलते हाँ। इंडिया तो आप नैक्सट चलते हैं। तो आपने देखा कि जो भारत के राज हैं इस तुम आप भारत के राज हैं, भारत के राज हैं जोड़े वो किन्ने राज हैं भारत के? तो अपन पता भारत के अप मैप उपर चलते हैं, भारत के राज, भारत के राज। तो भारत के किन्ने राज हैं? भारत के टोटल 28 राज हैं। किन्ने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 जिहड़े हैं वो अपने की हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 28 की हैं? 28 भारत के राज हैं, 28 के 28 भारत के राज हैं। इन्हों आप अगे एक एक डिस्क्राइब करा नैक्सट लैक्चर के अंदर। तो फिलहाल अपना जोड़ा ये मैप के अंदर आप देखते हैं, मैप के अंदर आप इंडिया ऑबजर्व करते हैं। तो 28 राज्यों के अंदर जोड़े 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सब तो पहला उन्होंने वाल ध्यान करते हैं 8 कि लद्दाख अपने को, एक सैकेंड अपने को जम्मू एंड कश्मीर, दो थर्ड अपने को इतने अपने को दिल्ली, ठीक है दिल्ली तो पहला अपने को चंडीगढ़ जोड़ा अपने को, थर्ड दिल्ली, फोर्थ तो बाद नीचे चलते तो अपन दमन एंड दीव मिलेगा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तो ये अपने को फिफ्थ तो बाद आप चलते हैं तो अपन मिलेगा इतने पौंडीचेरी, ये अपने कोल है सिक्स, और इस तरह लक्षद्वीप जो अपने कोल है ये अपने कोल है सैवंथ, और जो एट्थ अपने को अपने कोल अंडेमान निकोबार, ये अपने को सैवन एट। तो अपने कोल 8 केंद्र शासित प्रदेश केड़े हैं? लद्दाख, सैकेंड जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड अपने को चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली,
दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली एंड सिक्स्थ अपने को पोंडीचेरी सैवंथ अपने को लक्षद्वीप एंड एट्थ अपने को जो अंडेमान निकोबार इतने जो अपन इस तो पहल जम्मू कश्मीर के दो भागों के वंडन तो पहला अपने को नौ जोड़े सके अपने को केंद्र शासित प्रदेश से उस तो बाद इस अपने को जोड़े नौ से उस तो बाद जो अपन इन्हों कर गया अपने को सत्त इस तो पहला अपने को सत्त केंद्र शासित प्रदेश नौ नहीं सत्त सत्त केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर के बनने तो पहला जिदा ही जम्मू कश्मीर बनया अपने को जम्मू कश्मीर बनया अपने को जो अपने को अक्तूबर 31 अक्तूबर शायद 2019 31 अक्तूबर 2019 अक्तूबर 2019 के अंदर अपने को जिहड़ियां केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई सी अपने को नौ सत्त पहला सीगे दो अपने को लद्दाख प्लस इतने अपने को जो दो ऐड हुए वो अपने को लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर तो ये जेडे अपने को दो बन चुके से नवे तो अपने को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो चुकी अपने को नौ इस तो बाद ब्रदर इस तो बाद जेडे दो अपने को दमन एंड दीव ये अलग सी एंड दादरा एंड नगर हवेली अलग सगा दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नगर हवेली आपस के मिला दिता गया तो किस तरीक न मिला दिता गया ये अपने को 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 2020 इस दे विच मिला दिता गया इस तरह दोनों आपस दे विच मिला के एक सिंगल यूटी बनाती गई यदा मतलब ये जेडे पहला नौ सी उहदे विच एक अपने को कट के किनिया बन जाएगी अपने को प्रेजेंट टाइम वाली अठ बन जाएगी तो ब्रदर इत्थे सारे देखो जो अपने को पोंडीचेरी देख रहे पोंडीचेरी दे एक खास महत्व है पोंडीचेरी का तो आप पोंडीचेरी जो थोड़ा कर दें पोंडीचेरी या पुडुचेरी पहला पोंडीचेरी सी नाम हुण तां इसका नाम प्रेजेंट टाइम से पुडुचेरी बोलिया जाता तो आप देखिए कि ये जो पुडुचेरी है ये अपने को तीन स्टेट के अंदर तीन राज्य के अंदर फैली है तीन राज्य के अंदर इसकी जगह मिलती किड़े तीन राज अपने को अपने को तीन राज किड़े अपने को इतने मैं तीन राज लिखा लगा कि अपने को तीन राज तो फस्ट राज अपने को ऑब्जर्व कर लें केरल फस्ट राज अपने को केरल सैकेंड राज अपने को केरल तो बाद तमिलनाडु सैकेंड राज अपने को तमिलनाडु प्लस जो थर्ड राज अपने को वो आप देखा तो अपने को आंध्र प्रदेश थर्ड राज अपने को आंध्रा ये तीन राज हैं जिस दे अंदर अपने को पुडुचेरी या पोंडीचेरी है ये अपने को फैली है तीन राज्यों के आप देखते हैं किदा ये देख रहे सबनों माहे और पोंडीचेरी माहे तो बाद देखो ये अपने को पुडुचेरी ये अपने को क्राइकल पुडुचेरी और क्राइकल ये कितने स्थित है ये दोनों तमिलनाडु के स्थित हैं पर भाग किस दिन पुडुचेरी दिन ये सबनों देख रहा होगा वेट एक मिनट मैं रेस करके दसदा ये देख रहा होगा यनम जो ये यनम है अपने को एक मिनट जो अपने को यनम किस दे अंदर है तो आंध्र प्रदेश के अंदर यानी कि तुम इतों नोट करोगे तीन स्टेट हैं अपने एक केरल जो केरल के अंदर पैंसठ हैं अपने को माहे और जो आपके को तमिलनाडु है तमिलनाडु के अंदर आपके दो प्रेजेंट हैं क्राइकल और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के अंदर अपने को यनम प्रेजेंट है यानी कि यनम पुडुचेरी और माहे तीनों किस दे भाग हैं पुडुचेरी के भाग हैं तो नैक्सट आप जो चलते हाँ नैक्सट जो आप चलते हैं इंडिया के वल चलते हैं तो इतने अपने ऑब्जर्व करा कि भारत के सब तो ये उत्तर तो भारत के सब तो उत्तर वाला जो राज है भारत के सब तो उत्तर वाला राज कि लद्दाख आप इतने फिल करते हैं भारत के सब तो उत्तर वाला राज है अपने को वाला लद्दाख तो अपने को लद्दाख
दादा तो अपन देखा भारत के सब तो दक्षण वाला राज, भारत के सब तो दक्षण वाला राज ये अपने को केरला जो है, केरला आपको इतने खत्म हो रहा केरल तो नीचे अपने को वाला पोर्शन किसका देख रहा है तमिलनाडु का, यदा मतलब भारत का सब तो दक्षण वाला जो राज है वो अपने को है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सब तो दक्षण वाला राज तमिलनाडु है। तो नैक्सट आप देखते हैं भारत का सब तो पूर्वी राज, ये पूर्व वाला हिस्सा होंगे अपने को पूर्व, तो भारत के सब तो पूर्व के आपू कि राज देख रहा है, तो आपको देख रहा है ये वाला ये ब्लू कलर देख रहे हैं ना, ब्लू कलर तो कड़ा है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इतने अपने को प्रेजेंट है अरुणाचल, अरुणाचल ये वाला एक मिनट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जो ये वाला अपने को सब तो पश्चिम वाला, पश्चिम वाला पश्चिम वाला आप देखते हैं पश्चिम वाला कड़ा अपने को, पश्चिम वाला अपने को रहा पश्चिम के अंदर गुजरात, तो पश्चिम के अंदर अपने को गुजरात, यानी कि पश्चिम के अंदर अपने को जो प्रेजेंट है वो है अपने को गुजरात। और सब तो दक्षण के अंदर अपने को तमिलनाडु, दक्षण के अंदर अपने को दक्षण के अंदर अपने को तमिलनाडु, दक्षण अंदर अपने को तमिलनाडु, दक्षण तमिलनाडु। सैकेंड देखो इतने अपने को प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उपर अपने को प्रेजेंट है लद्दाख, लद्दाख। और इतने अपने को प्रेजेंट है गुजरात, गुजरात। यदा मतलब भारत दे, भारत दा दक्षिणी राज, भारत का दक्षणी राज कि है तो अपने देखा दक्षणी राज ये दक्षण, दक्षण अंदर तमिलनाडु, तो दक्षणी राज अपने को तमिलनाडु। और इस तरह भारत का उत्तरी राज, भारत का उत्तरी राज, भारत का उत्तरी राज, तो उत्तरी राज अपने को लद्दाख, तो उत्तरी राज अपने को लद्दाख। और एक्चुअल दे विच तुसीं ध्यान दिता है कि भारत का उत्तरी राज जो है इतने देखियो जो भारत का उत्तरी राज है वह तो अपने को रहा उत्तरी राज, यह रहा हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज है, पर जो लद्दाख है अपने को भारत का उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर रेज हो गया ओके कोई ना देखते हैं ये अपने को है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित भारत के उत्तर वाला, उत्तर उत्तर की है केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर केंद्र शासित प्रदेश। दक्षण दे एक राज है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और दक्षण जो आप जो दक्षण एक मिनट प्रॉब्लम आ रही कुछ दो मिनट कर दें प्रॉब्लम। तो यह अपने को भारत का नॉर्थ, यह भारत का साउथ, यह भारत का वैस्ट, यह भारत का ईस्ट, ईस्ट भारत के नॉर्थ के अपने को लद्दाख, लद्दाख। भारत के साउथ के अपने को तमिलनाडु, तमिलनाडु लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट गैस प्रॉब्लम आ रही थोड़ी पर रिपीट करते दोबारा एक मिनट बस एक मिनट बस एक मिनट बस एक मिनट गैस प्रीवियस चैप्टर है सारा अब रफ करके दोबारा कर दें। सारे नोट कर लो तुसी नोटबुक उपर नोट कर लो भारत के सब तो उत्तर के अपने को जो केंद्र शासित प्रदेश उसका नाम है लद्दाख।
और जो दखण दे विच प्रेजेंट है वो अपने कोल केंद्र शासित अपने कोल जो राज है तमिलनाडु और जो अपने कोल पूर्व दे विच प्रेजेंट है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल और जो अपने कोल दखण दे विच प्रेजेंट है वो अपने कोल गुजरात गुजरात तो जो भारत दे ये अपने कोल लैटीट्यूड अते लोंगीट्यूड हैं इन्हां दी पंजाबी लैटीट्यूड अपने कोल हुंदे हन अक्षांश कुछ प्रॉब्लम आ रही है मिनट गैस लैटीट्यूड जो अपने को लैटीट्यूड हैं जो अपने को लैटीट्यूड हैं इन्हें बोला जाता अक्षांश यार पेट यार क्लास आप कल कंटिन्यू करते हैं फिलहाल तुम ये सारा कुछ नोट करो कल आप इंडिया के लैटीट्यूड एंड लोंगीट्यूड क्लास जी आप कंटिन्यू करा तो इतने जी अज आप क्लास डन करते हैं कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम आ रही है तो उस नैक्सट टाइम सोल्व कराया जाएगा पूरी तरह और जी उम्मीद है कि जो आप जिन्ना होया उस एप्रीशिएट करके उस नोट करोगे और जो उस अपने स्पैशल नोट्स जोड़े बनाते रहोगे तो ठीक है क्लास थैंक यू साढ़े इन्ना एप्रीशिएट कराने क्लास के अंदर तो जो अपने कराया उसमें थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज़ करते हैं रिवाइज़ करते आप जिन्ना भी कराया अपने टेबल के उपर देखते हैं नैक्सट अपने को आप कर चुके थे तो अपने को जो एयर अपने को भारत किस महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप एशिया एशिया के किस दिशा के दखण के एशिया महाद्वीप है एशिया महाद्वीप के दखण जो अपना भारत स्थित है तो भारत के उत्तर दे विच केड़ा राज है तो भारत दे विच राज नहीं उत्तर दे विच एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख भारत के दखण दे विच केड़ा राज है तो तमिलनाडु भारत के पूर्व दे विच केड़ा राज है तो अरुणाचल प्रदेश भारत के दखण दे विच केड़ा राज है तो गुजरात नैक्सट जिहड़ा आपां कल इत्थों करांगे कंटिन्यू ते इहदे नाल ही जिहड़ी क्लास थैंक यू करियर बिल्डर अकैडमी ते थोड़ा क्लासिस लैण दे लई धन्नवाद करदे आं तो क्लास थैंक यू